सहारनपुर के लिए आज का दिन बेहद खुशनुमा है, क्योंकि आज यहाँ श्री कृष्ण मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में देश भर से साधु संत एकत्रित हो रहे हैं, जिसमें सर संचालक मोहन भागवत बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे हैं। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इस कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत करीब 2 घंटे रुके और मंच से अपने भाषण में उन्होंने कहा कि भारत में एक विशेषता है, वह पूरी दुनिया को धर्म की राह दिखा रहा है। भले ही पंथ और संप्रदाय अलग अलग हो, लेकिन काम सभी एक ही कर रहे हैं। धर्म सभी को जोड़ कर रखता है और धर्म शाश्वत है। अगर यह खत्म हुआ तो सृष्टि भी खत्म हो जाएगी। इसके लिए कुशलता पूर्वक कार्य करें और कभी भी अपने अंदर अहंकार मत आने दें, इसलिए पवित्रता जरूरी है। आगे उन्होंने अपने भाषण में गीता के उपदेशों को कहते हुए कहा कि भगवत गीता में भारत के जीवन का निचोड़ है, इसलिए व्यक्ति को श्रद्धा, दान और त्याग की भावना रखनी चाहिए और जो भी करो वह उत्तम होना चाहिए। इसके साथ जीवन में आने वाली परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए और इनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि भाग गए तो जिंदा होते हुए भी मौत के समान हो। प्रकृति के साथ चलते यह धर्म की आवश्यकता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो दुष्ट हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, सभी को साथ लेकर चले। वहीं आचार्य करंजेकर बाबा ने कहा कि हमने देवबंद में श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण कराने के लिए लोक निर्माण विभाग के मंत्री से जमीन मांगी है। उन्होंने वहां पर जमीन दिलाने का आश्वासन दिया है। अगर जमीन मिलती है तो हम देवबंद में भी श्री कृष्ण मंदिर जरूर बनवाएंगे।